नमस्कार, मैं जिलाधिकारी रामपुर बोल रहा हूँ। आप सभी को पता होगा कि पूरी दुनिया इस समय कोरोना वायरस के संक्रमण से जूझ रही है तथा इस बीमारी ने हमारे देश में भी दस्तक दे दी है। हालांकि हमारे देश में इस बीमारी के फैलने की गति बहुत धीमी है। केवल उन लोगों को संक्रमण अभी तक पता चला है जो या तो जिस देशों में संक्रमण फैला है वहाँ से लौटे हैं या जो लोग वहाँ से लौटने वालों के सीधे संपर्क में आए हैं। सरकार द्वारा इस बीमारी से लड़ने के सभी बेहतर उपाय किए जा रहे हैं, लेकिन हम सबको एकजुट होकर इस बीमारी को फैलने से रोकना बेहद जरूरी है। सबसे पहली बात कि बाहर के देशों से जनपद में आने वाले सभी लोग सबसे पहले प्रशासन और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को खबर करें। इसमें संकोच बिल्कुल न करें। यह बीमारी सामान्य तौर पर आँख, नाक और मुँह के जरिए फैलती है, इसलिए अपने मुँह, नाक या आँख को हाथ लगाने से पहले अपने हाथ अच्छे साबुन से कम 20 सेकंड तक अच्छी तरह धुलें। दिन में बार बार धुलें। हाथ न मिलाएं, नमस्ते या आदाब कहें। किसी भी स्वस्थ व्यक्ति को मास्क लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन जिसे भी जुकाम या खांसी हुई है वह सामान्य मास्क का प्रयोग करे तथा सभी लोग छींकते या खांसते समय अपने चेहरे पर रुमाल, नैपकिन या अपने हाथ मोड़कर कोहनी को मुँह पर लगाएं। भीड़ वाली जगह पर न जाएं, न भीड़ का हिस्सा बनें। जब तक इस बीमारी का प्रकोप समाप्त घोषित न कर दिया जाए तब तक कोई भीड़ वाले आयोजन न करें। बाजार बिना जरूरत न जाएं और जरूरत हो तो बस काम भर के लिए ही बाहर जाएं। पार्क, सिनेमा हॉल, मॉल आदि ऐसी जगह न जाएं जहां थोड़ी भी भीड़ इकट्ठी होने की संभावना हो। सोशल मीडिया यानी व्हाट्सएप, फेसबुक पर पोस्ट की जा रही सूचनाओं को बिना पुष्टि के विश्वास बिल्कुल न करें। अफवाहों से बचें। बुजुर्ग, बीमार और कमजोर लोग विशेष सावधानी बरतें। प्रशासन और स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा बताई जा रही सूचनाओं को ध्यान से सुनें, देखें और उन पर अमल करें। पढ़े लिखे लोग अन्य लोगों को सही प्रकार से जागरूक करें। याद रखें, हम और आप सभी मिलकर इस बीमारी को सिर्फ फैलने से ही नहीं रोक सकते बल्कि इसे हिंदुस्तान से बाहर का रास्ता भी दिखा सकते हैं। आपका सहयोग हमारी ताकत है। आइए हम सब मिलकर इस बीमारी का मजबूती से सामना करें। शून्य 1 1 2 2 3 0 7 1 4 5 अथवा केंद्र हेल्पलाइन नंबर 01 1 2 3 9 7 8 0